हेलो एवरीवन अभी आपको पता होगा लेटेस्ट जो न्यूज़ आई थी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने अपना काम जो है इंडिया में बंद कर दिया है और इसके बाद काफ़ी सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका विरोध किया है और इसको कंडेम किया।, किया, किया है अब इंटरनेशनल कमीशन फॉर टूरिस्ट्स इन्होंने भी कंडेम किया है इंडियन गवर्नमेंट को आइए देखते हैं देखिए सबसे पहले न्यूज़ क्या है अनाउंसड दैट इट इज़ होल्डिंग इट्स वर्क इन द कंट्री आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट फ्रोज बैंक अकाउंट्स तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया है इसने अपना काम बंद कर दिया क्योंकि 2018 के बाद से इनको लग रहा था कि इनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की और उसके बाद इनकम टैक्स की और अब इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे फ्रीज़ कर दिए गए हैं और इसीलिए अब इन्होंने अपना काम इंडिया में बंद कर दिया है बात क्या हुआ है कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको बहुत कंडेम किया है और कहा है कि दीज आर रिप्रेसिव टैक्टिक्स टू शट क्रिटिकल वॉइस यानी कि ये टैक्टिक्स जो है दबाने वाली हैं उन वॉइस को जो सरकार के खिलाफ बोलती हैं अब इसको किसने किसने विरोध किया है एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशन ग्लोबल इंडिया प्रोग्रेसिव अलायंस इंटरनेशनल कमीशन फॉर टूरिस्ट्स साथ ही फाउंडेशन द लंडन स्टोरी हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स वॉच ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने और लगभग बारह तेरह ऑर्गेनाइजेशन ने इसका बहुत निंदा की है और विरोध किया है अब देखिए इंटरनेशनल कमीशन ऑफ टूरिस्ट ने भी इसका विरोध किया और यह कहा है कि द बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीजिंगली क्रैक डाउन ऑन सिविल सोसाइटी हैरेसिंग एंड ब्रिंगिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस अगेंस्ट ह्यूमन हाइट डिफेंडर्स तो देखिए इनकी जो वेबसाइट है उस पर आपको ये पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या बोला है और काफ़ी सारी बातें बोली हैं और बहुत सारे पहलुओं पर डिस्कस किया है अब देखते हैं इन्होंने बात करी है कि फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसका वायलेशन माना जा रहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो फंडिंग जारी हैं वो वायलेशन कर रही हैं इसका इस लॉ का तो ये उन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट ने यह ऑलरेडी कह दिया था गवर्नमेंट से कि ये जो आपका लॉ है ये लॉ सही नहीं है और साथ ही इट इज़ बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर टू साइलेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन एडवोकेटिंग सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रायोरिटीज यानी कि आपकी ये जो लॉ है ये इस तरह के काम को रोक रही है जो भारत सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने वायलेशन किया है ऑफ सर्टेन रूल्स ऑफ फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लेकिन इंटरनेशनल कमीशन फॉर टूरिस्ट का ये कहना है कि यूनाइटेड नेशंस की एक्सपर्ट की जो टीम है उन्होंने ये ऑलरेडी कह दिया था कि आपका ये जो लॉ है रेगुलेशन एक्ट ये लॉ सही नहीं है और ये दबा रहा है क्रिटिकल वॉइस को यानी कि आपका ये जो लॉ है ये रिग्रेसिव नेचर का लॉ है और ये असल में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क कर रही हैं उनको रोक रहा है इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लॉ है एफ भारत सरकार ने तो इसको उल्टा अमेंड कर दिया है और इसको और भी मजबूत बना दिया है और भी स्ट्रिक्ट बना दिया है जो बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट टीम और उन्होंने ये कहा कि इंडियन पार्लियामेंट अमेंडेड द एफ सी आर ए दिस मंथ एंडिंग मोर ओनरेस गवर्नमेंट ओवरसाइट एडिशनल रेगुलेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेसिस कि इसमें और ज़्यादा टेक्निकलिटी कर दी है और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है और इसी कारण ये लॉ सही नहीं है और इसीलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसको आप बता रहे हैं कि वो वायलेशन कर रही है वो तो बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशंस में कुछ ना कुछ वायलेशन किए हैं और इसलिए इनके बैंक अकाउंट सीज़ किए गए हैं या फ्रीज किए गए हैं थैंक यू एवरी